कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपये की गारंटी का कार्ड देता है। इससे प्रभावित ज्यादातर लोग आदिवासी समाज के थे। आदिवासी समाज के प्रति बेरुखी के चलते पहले की सरकारों के लिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन आदिवासी समाज की इस सबसे बड़ी चुनौती को हल करने का बीड़ा अब भाजपा की सरकार ने, हमारी सरकार ने उठाया है। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, उसके भी बहुत पहले से मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूं। हमारे जो गवर्नर है श्रीमान मंगूबाई, आदिवासी परिवार के होनहार नेता रहे हैं। करीब 50 साल से मैं और मंगूबाई आदिवासी इलाकों में एक साथ काम करते रहे हैं, और हम आदिवासी परिवारों में जाकर के इस बीमारी को कैसे रास्ते निकले, कैसे जागरूकता लाई जाए, उस पर लगातार काम करते थे। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना, उसके बाद भी मैंने वहां इससे जुड़े कई अभियान शुरू किए। जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं जापान की यात्रा पर गया, तो मैंने वहां नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एक वैज्ञानिक से मुलाकात की थी। मुझे पता चला था कि वो वैज्ञानिक सिकल सेल बीमारी पर बहुत रिसर्च कर चुके हैं। मैंने उस जापानी वैज्ञानिक से भी सिकल सेल एनीमिया के इलाज में मदद मांगी थी। साथियों, सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा, और मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे, देश को मुक्ति दिलाएंगे। और इसके लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा। ये जरूरी है कि सरकार हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, आदिवासी हो, सभी तालमेल के साथ काम करें, सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनके लिए ब्लड बैंक खोले जा रहे हैं, उनके इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा बढ़ाई जा रही है। सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की स्क्रीनिंग कितनी जरूरी है ये आप भी जानते हैं। बिना किसी बाहरी लक्षण के भी कोई भी सिकल सेल का कैरियर हो सकता है। ऐसे लोग अनजाने में अपने बच्चों को ये बीमारी दे सकते हैं, इसलिए
इसका पता लगाने के लिए जांच कराना, स्क्रीनिंग कराना बहुत आवश्यक है। जांच नहीं कराने पर हो सकता है कि लंबे समय तक इस बीमारी का मरीज को पता नहीं चलेगा।